हेलो दोस्तों, नवाबी शौक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इस पतंग के फील्ड में जो भी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो वीडियो है आज का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब पतंग जो होती है बल्क में परचेज़ करते हैं, जैसे कि 100 पतंगे खरीदते हैं, 200 पतंगे खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है कि शौक़ पूरा नहीं कर पाते हैं और कुछ ही समय में वो हम लोग को पतंग उड़ा के उसके बाद बैग वैग में रख देते हैं और फिर कुछ अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, जिस वजह से पतंगों पर ध्यान भी नहीं जा पाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि थोड़े दिन में पतंगें ख़राब हो जाती हैं। या कोई पतंग बनाने का शौकीन है, उसने लकड़ी रखी हुई है अपने घर पे, पतंगों की जो लकड़ी होती है उसमें दीमक लग जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे वो पतंग और पतंग का सामान या चरखियाँ जो भी हैं वो कैसे सेफली रखी जाएँ ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ ना पड़ें। और इसके ऊपर पूरा आज का वीडियो है, तो पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ कुछ चीज़ें। देखिए, ये तीन बैग हैं जिसको मैं अभी खोल के इसमें से पतंगे निकालूंगा और पतंगे अपनी सुखाऊंगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ वो वीडियो पूरा। और उससे पहले, क्योंकि मैं कुछ आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये है जो मेन हमारा आइटम है, ये है नीम की पत्तियाँ। जी हाँ, ये नीम की पत्तियाँ हैं। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पे, जी इसको कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ये 2-3 दिन सूखे पूरा, और इतना ये सूख जाए पूरा धूप में। तो दोस्तों, ये धूप में सूखेगी कम से कम 2-3 दिन, और उसके बाद जब एकदम ये सूख जाएगी तो हम लोग इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बनाएंगे। इसका पाउडर बना के, और उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कैसे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको अपनी पतंगे अनबॉक्स करके पूरा वीडियो दिखाता हूँ एक बार कि आप लोगों को कैसे क्या सुखाना है, क्या करना है। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग इसको समेटना चालू करते हैं पतंगों को। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब समेटने चलिएगा तो बैग जो है वो प्रॉपरली झाड़ लीजिएगा ताकि उसमें कोई दीमक उमक ना लगी हो, ठीक है। तो इस बैग को भी धूप में रख देते हैं समेटने से पहले। अच्छे से झाड़ लें बैग को और उसके बाद इसकी पैकिंग करना चालू करें।
दोस्तों धूप में दिखाने के बाद पतंग थोड़ी फूल जाती है, इसलिए ऐसा लगेगा आपको कि बैग छोटा पड़ गया बाद में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैग वही होता है। दोस्तों ये जो पतंगे हैं सारी, इसमें कुछ कुछ पतंगों में दीमक लग गया है, तो इसको मैंने अलग कर लिया है। इसको मैं नॉर्मल आजकल मैं इसकी डंडी बदल के, जो इसकी काप है उसको बदल के, काप ठड्डे बदल के इसको आजकल मैं उड़ाने की कोशिश करूंगा। और इसको मिक्स करना सही नहीं था, क्योंकि मिक्स करने से क्या होता कि आपकी जो पहले की पतंगे हैं वो भी नुकसान में हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह प्रोसीजर है पूरा, बैग पैक हो गया तीनों। और तो दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि हवा बहुत तेज चल रही है, तो मैं आप लोग को आगे का प्रोसीजर बता दूं, क्योंकि बहुत धूप हो रही है, ज़्यादा मैं धूप नहीं दिखाऊंगा, धीमे धीमे समेटना चालू करूंगा, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं दिखाई देती, 15-20 मिनट बहुत होती है धूप दिखाने के लिए। तो दोस्तों आगे का प्रोसीजर मैं बता दूं, अभी मैं ये सारी पतंग जो धूप खा चुकी हैं इन सबको समेट के अभी रख दूंगा मैं बैग में। और अभी तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, जो नीम की पत्तियाँ मैंने बताई थी आप लोग को, नीम की पत्तियाँ अभी मैंने डाल रहा हूँ, इसको 2-3 दिन रखे रह दूंगा, ये पूरी सूख जाएगी। जब सूख जाएगी तो मैं मिक्सी में रख के इसको पीस दूंगा, पीसने के बाद जो पाउडर तैयार होगा वो पाउडर मैं तीनों बैग में छिड़क दूंगा, ठीक है। इसमें दोस्तों और भी तरीके हैं पतंगों में बचाने के लिए, जैसे नेप्थलीन बॉल डाली जाती है, मिर्चा, खड़ा मिर्चा डाला जाता है, इस तरह के प्रोसीजर हैं। पर दोस्तों उसमें दिक्कत ये है कि मिर्चा आप लगाओगे, अगर डाल दोगे और उसके बाद पतंग उड़ाने चलोगे, कन्ने उन्ने बांधोगे, पतंग छुओगे, उसके बाद कहीं आँख पे या कहीं भी आपने छू दिया तो वो जलन हो जाएगा, कुछ एक बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल के। और नेप्थलीन बॉल का भी यही सिस्टम है कि वो एक तो जहरीली चीज़ होती है, फिलहाल अब उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कितना असरदार है ये भी अभी तक किसी ने ज़्यादा बताया नहीं है नेप्थलीन बॉल का। लेकिन नीम का जो पाउडर है उसका सही, उसका मतलब जो भी वो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि इससे सबसे अच्छा बसता है। तो हम लोग पाउडर बना के इसको डालेंगे, और सबसे अच्छा प्रोसीजर यही है, सबसे अच्छा तरीका भी यही है, तो इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसा भी रिज़ल्ट होगा। हालांकि मैंने सबसे रिज़ल्ट जो अभी तक मैंने सबका रिज़ल्ट लिया है वो अभी तक पॉजिटिव ही आया है, तो अपना भी हम लोग ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो आप लोग से शेयर करूँगा आने वाले समय में, जो भी 6-7 महीने 1 साल जो भी मैं छोड़ूंगा इस पतंगों को, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा मैं जल्दी ही आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जो समय, जो सामान, जो शौक पूरा कर रहे हैं आप उसकी देखभाल कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे, उसकी मतलब उसकी उसके लिए आप कितना टाइम देते हो, उसके सामान की प्रोटेक्शन ज़रूरी है, सही से रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप पतंग ले आओ कोने में फेंक दो, क्योंकि आप लेके आए हो कोई सामान, किसी को आपको शौक पूरा करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बता दूं आप लोग को, नीम का पाउडर बना के मैं जब बैग जो पतंगे रखूंगा उसके बैग में छिड़क दूंगा, तो उसके बाद जो ये जो दिक्कतें होती हैं जो आपका दीमक उमक लगने की, ये दीमक नहीं लगेंगे। चलिए दोस्तों नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।